जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलू लाडली, स्वागत आप सबके आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जिन भी बच्चों का SSC GD का पेपर हो गया है, उनका अब जो सीधा सा काम है वो है फिजिकल का, ठीक है। तो फिजिकल में एक तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है, लड़कियों के लिए है 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है। बाकी जो फिजिकल के मापदंड है उसमें तो आप क्या तैयारी करोगे, जैसे मान के चलो हाइट है लड़कों के नॉर्मली 170 सेंटीमीटर चाहिए, कुछ कैटेगरी में छूट देके 162 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, ये लड़कों के लिए हाइट है। ST कैटेगरी में कम है, बाकी में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लड़कियों के लिए नॉर्मली 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो इनके लिए तो आपको तैयारी आपको करना 1600 मीटर और 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए। ध्यान रखना SSC GD में जो रनिंग टेस्ट होता है वो होता है रोड पर, ठीक है। तो आप रोड पर रनिंग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआती दिनों में रनिंग कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी रनिंग नहीं की है, तो आपको इस समय करना चाहिए क्या, आपको इस समय सबसे पहले आपको ग्राउंड में दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए या किसी मिट्टी के ग्राउंड में दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन वहां दौड़ने के बाद में फिर आपको रोड पर रनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान रखना इस समय आपको दिन में एक टाइम, यानी एक ही बार, यानी मॉर्निंग में या इवनिंग में एक ही बार रनिंग करनी चाहिए। आपकी जो रनिंग की टाइमिंग रहेगी 5 किलोमीटर के लिए, ध्यान रखना 24 मिनट का समय बहुत अच्छा होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसमें फेल होते हैं, समझ गए। और स्पेशली रनिंग के लिए SSC CD का हम फिजिकल बैच भी जारी कर चुके हैं, तो जो बच्चा हमारी एकेडमी आना चाहता है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर एकेडमी आ सकता है। अब SSC GD का ही स्पेशली फिजिकल बैच चलेगा, ठीक है। और आपकी जो रनिंग की डेट है वो भी मैंने आपको बताई थी, हो सकता है कि 15 अप्रैल तक आपकी रनिंग की डेट जारी हो जाए, 15 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में आपकी रनिंग शुरू होगी, तो आपके पास में ज्यादा समय भी नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में और लड़कियों को 1600 मीटर में लगभग 8 से 8.5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है, 8.5 मिनट का समय मिलेगा लड़कियों को 1600 मीटर की रनिंग में। तो आप रोड पे कर सकते हैं, वहां पर भी रोड पे ही होगा ये टेस्ट। आपको स्पेशली ध्यान ये रखना, जब आप रनिंग घर पे कर रहे हैं तो 2-3 दिन आपको ग्राउंड में दौड़ना है या कच्चे मिट्टी में दौड़ना है, जिससे आपके शरीर में थोड़ा सा वार्म अप हो सके और फिर आप रनिंग करना शुरू करिए भाई। ये रनिंग क्राइटेरिया आपको पास करना, इसके अलावा इसमें कुछ हार्ड है नहीं। जिन बच्चों का चेस्ट नहीं है उनको बीम लगानी चाहिए और पुशअप लगानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब एक आपके ये भी रहता है, सर हम टाइमिंग कैसे कम करें, तो सबसे पहले आपको करनी है लॉन्ग रनिंग, ठीक है। जिन बच्चों का बहुत टाइम आता है, लॉन्ग रनिंग आपको इतनी स्लो करनी है, यानी जितनी स्लो आप कंफर्टेबली 10 किलोमीटर या इससे ज्यादा दौड़ सके, 10 से 15 किलोमीटर आप प्रतिदिन दौड़ना शुरू कर दीजिए एक टाइम, ठीक है, जितना बिल्कुल इजी। अभी इस समय आपको टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्लो रनिंग करनी है, यानी आपके शरीर को आदत हो जानी चाहिए रनिंग करने की। इस समय आपको बस मैक्सिमम रनिंग पे ध्यान देना है, लगातार आप रनिंग करते रहिए, सुबह जितना होता है उतना रनिंग करिए, मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जितना आप कर सकते हैं। चलो आप जब 15 से 20 दिन ये कार्रवाई कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आप टाइमिंग देखोगे तो आप 24 मिनट के अंदर अंदर रनिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, समझ गए बात को। बहुत आसान है रनिंग पास करना SSC GD का, इसका ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी चिंता है तो आप अकेडमी आ सकते हैं, 100% गारंटी के साथ में आपका फिजिकल करा देंगे भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।